नमस्कार, मैं आचल हाजिर हूँ आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में एक और नई वीडियो लेकर आपके लिए। देखिए, मैं हमेशा आपके लिए मोटापा कम करने की नई नई टिप्स लेकर आती हूँ। आज की जो ड्रिंक है बहुत ही खास है, इसे अगर आपने रोज़ करना शुरू कर दिया तो आपका मोटापा तो कम होगा ही होगा, साथ के साथ आपको इससे जो फ़ायदे मिलेंगे, आपकी बॉडी में जो एनर्जी रहेगी, आपकी बॉडी की जो कमियां है वो दूर होंगी, उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। जब हमें भूख लगती है तो हमारा ध्यान जंक फूड की ओर जाता है, पिज़्ज़ा खा लें, बर्गर खा लें, लेकिन इस ड्रिंक को पीने के बाद लंबे समय तक आपका पेट भरा हुआ रहेगा और आपको इसके अनगिनत लाभ मिलेंगे। तो इस ड्रिंक को किस तरह तैयार करना है, चलिए पहले वो जानते हैं। इसके लिए आपको टोंड मिल्क चाहिए। टोंड मिल्क होता है जिसकी दो बार मलाई हटी होती है। अगर आप बाज़ार से नहीं खरीदना चाहते, घर पे अगर आप दूध की दो बार मलाई हटा दें तो वो भी टोंड मिल्क होता है। एक ग्लास आपको टोंड मिल्क चाहिए। दूसरी चीज़ हमें चाहिए ड्राई फ्रूट्स। कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स चाहिए वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए खजूर। हमें दो खजूर लेनी है। खजूर के अनगिनत फ़ायदे होते हैं, हम सब जानते हैं। थोड़े से फ़ायदे आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि जब ये आप ड्रिंक पिएं तो आपको इसके लाभ पता हो, आपको अच्छा लगे, आपको मज़ा आए पीने का। खजूर में कैल्शियम, सेलेनियम, मैग्नीज और कॉपर की काफ़ी मात्रा होती है। खजूर में मौजूद लवण हड्डियों को मजबूत बनाता है, इसलिए कुछ लोग इसको अपनी डाइट में वैसे ही शामिल कर लेते हैं। इसको मैंने इस ड्रिंक में शामिल किया है ताकि क्योंकि जब हम डाइट करते हैं तो बहुत सारी कमियां हमारी बॉडी में आ जाती हैं, तो इसलिए लेने से किसी भी तरह की कमी नहीं आएगी। अगर कब्ज़ या एसिडिटी की दिक्कत है वो भी दूर होगी। खजूर खाने से शरीर को फाइबर मिलता है जिससे हमारा जो मोटापा है जल्दी से कम होता है। जिन लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी है उन्हें खजूर खाने से बहुत लाभ मिलता है। खजूर खाने से नींद में आ रही दिक्कतों में भी राहत मिलती है। दूसरी चीज़ हम इसमें लेंगे अंजीर। एंटीऑक्सीडेंट अंजीर में बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। अंजीर में विटामिन ए, बी, सी, के और कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर और मैग्नीज जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। दिल की सेहत के लिए अंजीर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को समाप्त करते हैं। पेट के लिए, पेट की जुड़ी तमाम समस्याओं के लिए अंजीर का सेवन काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी तो ये आपकी पेट की जो दिक्कतें हैं काफ़ी हद तक दूर करेगा। अगली चीज़ हम लेंगे एक खुमानी। खुमानी जो होता है ये भी फाइबर की मात्रा इसमें काफ़ी भरपूर होती है और फाइबर हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है। जिन लोगों को कब्ज़ की दिक्कत है, पेट की दिक्कत है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। खुमानी हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, हमारा वज़न कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। एक रिसर्च के मुताबिक वज़न कम करने के लिए इसके जूस की जगह या फिर जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ अगर उस तरह आप इसका सेवन करें तो बहुत तेज़ी से आपका वज़न कम हो सकता है। हृदय रोग में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है खुमानी। एनीमिक लोगों के लिए जिनमें खून की कमी है, HB की कमी है, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। मनक्का, जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो काले रंग की सौगी होती है जिसमें बीज होता है, मनक्का बोलते हैं जिसे हम, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आपको मैं बता दूँ कि इससे वज़न बहुत तेज़ी से कम होता है, जो कब्ज़ की दिक्कत है वो दूर होती है। और जिस तरीके से मैं आपको ये ड्राई फ्रूट लेने के लिए बता रही हूँ आप समर्स में भी ले सकते हो। समर्स में बस दो चीज़ें हटा देनी है, अंजीर और खुमानी, बाकी चीज़ें आप समर्स में भी इस ड्रिंक को ले सकते हैं। अभी विंटर्स में कैसे लेना है उसका तरीका मैं आपको बताऊँगी। इसके साथ साथ हमने ली है सौगी, किसमिस, सौगी भी हमें चाहिए। अब मात्रा कितनी लेनी है, आपको एक ग्लास टोंड मिल्क लेना है। एक ग्लास टोंड मिल्क ले लीजिए और रात को आपको भिगोने हैं ये ड्राई फ्रूट्स। आपको एक अंजीर लेनी है, दो खजूर लेनी है और एक आपको लेना है खुमानी, और आपको पांच दाने मुनक्के के लेने हैं और पांच दाने ही सौगी के लेने हैं। ये आपको दूध में भिगोकर रख देना है। सर्दी में आप फ्रिज से बाहर भी रख सकते हैं। सुबह सबसे पहले पानी पीकर जब आप फ्रेश हो जाएं तो आपको इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। आपको बस बीज निकाल लेने हैं, आपको खुमानी का बीज भी निकाल के भिगोना है और आपको
दूसरे जो ड्राई फ्रूट्स हैं जिनमें बीज होता है, इसमें भी बीज होता है, जो हमने खजूर ली है उसमें से भी बीज हटा दीजिए और इसको बीज हटा कर भिगोइए दूध में, और सुबह आपको मिक्सी में बस इसको ग्राइंड कर लेना है और आपको इसको पी लेना है। अगर आप नॉर्मल नहीं पीना चाहते तो हल्का गर्म भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल भी आपको अच्छा लगेगा। इसमें आपको चीनी नहीं मिलानी क्योंकि इसका अपना ही मीठापन इतना अच्छा होगा इसमें, और ये इतनी टेस्टी चीज़ है। जब इसकी सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर भी डाल दूँगी, अगर आपको कोई डाउट रहे आप उस पर पढ़ के अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। इस ड्रिंक को डेली लीजिए, अगर अर्ली मॉर्निंग सुबह आप सबसे पहले नहीं ले सकते तो दिन में किसी भी समय ले लीजिए। इससे लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगेगी और आपको इसके अनगिनत फ़ायदे मिलेंगे। डाइटिंग करने पर बहुत सी कमी हमारी बॉडी पर आ जाती है, इस ड्रिंक से आपको किसी भी तरह की कमी बॉडी में नहीं आएगी। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूंगी आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में नई वीडियो के साथ। नमस्कार, गुड बाय।